देखने ही आया हूँ, लेकिन जितना मैंने सुना डायरेक्टर से कि ये नक्सल के ऊपर ये पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर बनी है नक्सल के उस दौरान, उस पीरियड में, जबकि मैं भी शायद उस टाइम जूनियर स्कूल में था, तब मैं भी सुना करता था नक्सल, बिकॉज मैं खुद एक बंगाली हूँ, लेकिन मैं बंगाल में रहा नहीं, मैं यूपी कानपुर में रहा हूँ, तो उस समय बहुत ये सब होता था। तो उस समय के टीनेज दो लड़कों की कहानी है जो इससे जुड़े हुए थे, लेकिन फिर वो लोग आज बोलते हैं कि उनके ये 40-42 साल बाद या 45 साल बाद उनकी लाइफ में फिर से उन्होंने कहा कि ये एक आंदोलन करना चाहिए, कहीं ना कहीं मानवता के लिए, कहीं ना कहीं किसी जो भी इतना देश में इतना करप्शन फैला है, इतना कुछ सब कुछ गड़बड़ी हो रहा है, तो उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए एक आंदोलन है, एक जिसको बोलते हैं प्रतिवाद, हम लोग हिंदी में प्रतिवाद बोलते हैं, बंगाली में उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी हैमर किया, प्रतिवाद, तो वही एक है, एक रिवॉल्यूशन। देखिए, बंगाली फिल्म, बंगाली स्क्रिप्ट, बंगाली आर्ट हमेशा एक ट्रेंड सेटर रहा है, जो भी बंगाल करता है वो करता था हमेशा हिंदी में, बाद में उसका रीमेक बनता था, काफ़ी दिन तक ऐसा हुआ। तो बंगाली फिल्म अलग, बंगाली कोई इस तरह से पिक्चरें नहीं बनाते कि आजकल क्या चल रहा है, बंगाली फिल्म जब बनती है तो एक सोच होता है उसके पीछे एक फिलॉसफी होती है, उसके पीछे एक रियलिटी होती है। मैं कमर्शियल नहीं, जनरल नॉर्मल फिल्मों की बात कर रहा हूँ, तो उस तरह का एक दौर आया जब वो हिंदी में भी आया, और हिंदी में भी जब इस तरह की फिल्में आ रही, आप देखेंगे दे प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर्स मोस्टली दे आर फ्रॉम बंगाल, चाहे वो आप विकी डोनर ले लीजिए या पिकू ले लीजिए, इस तरह की फिल्में जब बनती हैं तो सब बंगाल से ही इस तरह का सोच, इस तरह की चीज़ें आती हैं।